किचन विद राबिया में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी। खिचड़ी बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो है चावल। चावल मैंने ले लिए हैं 2 प्याली जिन्हें पहले से भिगो दिया था। मूंग की दाल की खिचड़ी बना रहे हैं तो धुली हुई मूंग की दाल चाहिए, 1 प्याली ये ले लिए। एक दरमियाने साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, अदरक, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, जीरा, मोटी इलायची 2 अदर, दालचीनी 2 से 3 अदर, नमक हस्बे जरूरत, पानी 4 ग्लास। ऑयल चाहिए हमें तकरीबन ये वाली 2 प्याली जो मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इस पे प्याज डाल देते हैं। प्याज को तकरीबन हम हल्का सुनहरी कर लेंगे। हल्का सुनहरी होने पे हम इसमें तमाम चीजें डाल देंगे। तो प्याज हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। मोटी इलायची, दालचीनी, अदरक, नमक डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन इसे हम रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि दाल गल जाए। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं दाल गल चुकी है या नहीं। पानी भी खुश हो चुका है और दाल भी गल चुकी है। अब इसमें हम 4 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे जो हमने खिचड़ी के लिए पहले से मैयर करके रखा हुआ था। जोश आने तक इसे कवर करके रख देंगे। जी तो पानी को जोश आ चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अब इसे हम रख लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि पानी तकरीबन दम वाला ना हो जाए। जी तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। जी तो चावल बिल्कुल दम लगाने वाले हो चुके हैं, अब हम इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, चावलों को दम लग चुका है, अब हम चेक कर लेते हैं। जी मूंग की दाल की खिचड़ी तैयार हो चुकी है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी। इसके साथ ही मुझे राबिया को इजाजत दीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।